हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो PYQ है ये भी इंटरेस्टिंग है और सेम दिसंबर 2022 का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट शिफ्ट 11th मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो ये ना मैच द कॉलम आए हैं और उससे हमें ना मैच करना है। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें मैच द कॉलम ज़्यादा थे, जबकि दिसंबर 2023 में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तो अपने आए थे, जो दो आते ही आते हैं। और थ्री भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भी आप मान के चलो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तो मिनिमम 10 आएंगे ही, 15 भी आ सकते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग आप मान के चलो कि 100 क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप मान के चलो 85 है ना, 85 to 90 क्वेश्चन जो रिमेनिंग होते हैं उसमें से आपके 2 या 3 मैच द कॉलम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 2 और 3, तो 2 और 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इजी होते हैं। जो एक भी क्वेश्चन हमारा मैच कर गया ना तो हम कर सकते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्सिंग ट्री के बारे में है तो हम फर्स्ट देखते हैं कैसे है। तो हमें क्या करना है, तो इससे हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो सकती है। देखिए अगर मैं इसे ध्यान से देखूं मैं इसे, तो एस आप क्या जनरेट कर रहे हो, एस से आप जनरेट कर सकते हो। देखिए एस से आप क्या जनरेट कर सकते हो, एक तो डबल ए जनरेट हो सकती है, सेकंड आपकी क्या जनरेट हो सकती है, और इस एस के जगह आप क्रिएट कर सकते हो डबल ए, यानी आपका फर्स्ट में, या मैं आपका फर्स्ट कर रही हूँ, ए सॉल्व कर रही हूँ ये हम, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, एक तो डबल ए आ रहा है, एक 4 टाइम ए आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस एक एस की जगह डबल ए ना जनरेट करके मैं क्या जनरेट कर रही हूँ, ए एस ए, ठीक है। अब मैं इस एस की जगह ये नहीं जनरेट करके वापस से यही राइट करती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डबल ए कर रही हूँ, तो हमारे पास कितने टाइम्स ए आ रहा है, 2, 2, 4 और 2, 6। यानी हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है 2 का 4 का और 6 का, यानी 2 की टेबल का हमारे पास पैटर्न आ रहा है। तो अगर मैं इसको मैच करूं 1 से, तो हम वी कैन गेट दैट 2 की पावर n (3 - 4), क्या हम ये वाला पैटर्न यहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते ना। एज एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ या 2 ले लेती हूँ, चलो क्योंकि हमें 2 का पैटर्न आ रहा है, 3 यानी 4 × 3 = 12, 12 - 4 = 8। कम से कम मिनिमम हमें, अगर मैं 1 लेती हूँ तो 6 - 4 = 2 और 2 लेती हूँ तो 8। ए जो हमें चाहिए या तो 2 मिनिमम ए चाहिए या हमें 8 मिनिमम ए चाहिए, 4, 6 और 2, 10 और 8 है ना। तो यहाँ पे तो हम 4 और 6 को भी गेट कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम इसे देखें तो 2 की पावर 2 ले सकते हैं, हम इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहा है तो हम इसे 2 कह सकते हैं कि मिनिमम 2 आ सकता है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 कहेंगे तो 16 ए वी ऑलरेडी गेट, वी नो दैट वी गेट है ना। तो यहाँ पे हम 2 की पावर ये कह सकते हैं, तो ए का तो हमारा हो गया 2, तो ये हमारा ऑप्शन गए। आंसर 50-50 हो गया। आंसर 50-50 के अकॉर्डिंग सी का हमारा 1 बन रहा है, सी का हमारा 1 बन रहा है, ठीक है, हमें इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, करने का पैटर्न हमें आ गया ना कि कैसे करना है। चलिए आगे करते हैं, इजी है ना। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे पास है ना ज़्यादा टाइम नहीं होता बनाने के लिए वीडियोस, फिर भी मैं आपके लिए बनाती हूँ ताकि आपको, आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो और आपको इजीली समझ में आए, क्लियर। हाँ जी, तो सी का हमारा 1 हो गया और ए का हमारा 2 हो गया, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बी देखते हैं, ठीक है, बी या हमें डी देखना है। तो डी भी अगर हम देखें, तो अगर डी भी देखें तो सेम सा ही आ रहा है हमारा, है ना, लेकिन हम डी नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, जस्ट वेट, हम क्या देखेंगे, बी देखेंगे, बी
एस का हमारा आ रहा है डबल ए एस डबल ए, ये भी इंटरेस्टिंग है, सेम आ रहा है। देखो यहाँ 4 टाइम ये दे रखे हैं, 4 टाइम, और यहाँ 2 टाइम, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 भी लगाते हैं तो हमारे कितने हो गए, मिनिमम 10 हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। और यहाँ कितने चाहिए चलिए देखते हैं। एस से हम एक तो डबल ए गेट कर सकते हैं और एक गेट कर सकते हैं दिस वन। यहाँ मैं डबल ए लगाती हूँ तो मैंने कितने ए गेट किए, 2 ए, और फिर मैंने कितने ए गेट किए, 6 ए, ठीक है ना। और फिर मैंने कितने ए गेट किए, 2 ए के बाद मैंने कितने, मैं यहाँ पे डबल ए एस डबल ए, तो एस की जगह मैं यहाँ पे ये वाला लेती हूँ, ठीक है, ये वाली ग्रामर उठाती हूँ तो दिस वन, और यहाँ एस की जगह मैं ये वाला ए ले लेती हूँ। तो मैंने मिनिमम कितने लिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, ठीक है। तो गैप कितना आया, 4, 4 का गैप आ रहा है, आ रहा है 4, 4 का। तो हमारे मिनिमम 2 हैं, वी नो दैट मिनिमम हम 2 गेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन था 50-50, 4 या 3rd में से। हमारा फर्स्ट रिजर्व हो चुका, हमारा सेकंड रिजर्व हो चुका, क्लियर है ना। ये देखिए फर्स्ट हमारा रिजर्व हो चुका और सेकंड हमारा रिजर्व हो चुका, अब हमें थर्ड और फोर्थ में से देखना है। चलिए चेक करते हैं फोर्थ नंबर का, पहले हम बी कर रहे हैं, देखिए क्योंकि 6 हमें ना देखने से ही मिल रहा है, पता चल रहा है, चलो हम थर्ड चेक कर लेते हैं, सॉरी बी कह रही, थर्ड हमें ना देखने से ही पता चल रहा है। चलिए हम देखते हैं, एन की पावर है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मैं 2 की पावर 1 ले लेती हूँ, एंड देन लेस देन 6, तो मेरे यहाँ 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 × 4 = 8 −6 = 2, ठीक है, 2 वी कैन ऑलरेडी गेट। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 की पावर 2 लेकर, ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ कलर, हाँ जी, ये देखिए 4 × 2 की पावर 2 −6 कंप्लीट का, तो 4 × 4, ये 4 हुआ ना, 16, 16 −6 = 10, सेकेंड मैं 10 गेट कर सकती हूँ, लेकिन हमारे पास तो 6 AB आ रहा है, वी नो दैट 6 AB हम गेट कर रहे हैं, तो थर्ड नहीं होगा, आंसर 4 होगा। कैसे होगा वो भी देखते हैं, यहाँ पे मैं करके देखती हूँ, 2 की पावर n − 2, और जो a हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 की पावर 2 सबसे मिनिमम ले सकते हैं, तो ये हमारा 2 हो गया, 2 की पावर 3 लेते हैं, तो ये हमारा 8 − 2 = 6 आ गया, चलो 2 की पावर 4 लेते हैं और 2 करते हैं, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 − 2 = 12, वी कैन ऑलरेडी गेट, वी कैन गेट, तो 16, 12, हमने तो गेट टू 10 किया है ना, वह 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, 10, 10 भी तो हमारा आ रहा है, यहाँ पे 10 नहीं आ रहा ना, रुको देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, 3 तो हो गया हमारा, 2 की पावर 8 हो गया, 2 की पावर 4 हमारा कितना हो गया, 16 × 2 −2 है ना, 14 आ रहा है, 14 वी कैन गेट, पर हमने तो 10 भी गेट कर लिया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम बी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना जा रहा है, अगर हम थर्ड ऑप्शन लेंगे तो थर्ड वी कैन गेट के वट 10, तो 10 हम 6 नहीं ले सकते, लेकिन इसमें हम 6 ले सकते हैं ना, हम 6 तो ले सकते हैं ना, तो हमारा थर्ड तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। चलिए अगला हम एक बार करके देखते हैं, डी वाला भी करके देखते हैं, फिर पता लगाते हैं, ठीक है, कोई नहीं, हम करके देखते हैं, क्लियर। कुछ गड़बड़ मेरे से ही हुई है, क्लियर, देखते हैं, और 2 की पावर शायद हमने ये चैलेंज में किया था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, 1, 2, 3, 4 एस 1, 2, 3, 4 और डबल ए, क्लियर। तो हमने एक देखा कि मिनिमम 2 है, तो अभी हमने थर्ड निकाला ही था, 2 हमने गेट किया था, नेक्स्ट हमने कितना गेट किया था इससे, नेक्स्ट हमने इससे गेट किया था, चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पे डबल ए ले लिया तो मेरा हो गया 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 12 है ना, 6, 6 × 4 = 10, सॉरी 10 हो गया मिनिमम, 4 × 2 = 6 हो गया, और मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ डबल ए की जगह मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लाइक 4 × a s और 4 × a, और फिर मैं कह रही हूँ यहाँ पे इसी को ही पुट कर देती हूँ, ठीक है, ये सारा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे 4 × a s और 4 × a,
और इस एस की जगह मैं डबल ए ले रही हूँ, तो मेरे पास कितना आया, 4 4 4 8 और 2 10, 10 और 8 18। देखिए थर्ड तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता डी का, क्योंकि डी में हमने क्या क्या गेट किया था, डी में हमने मिनिमम 2 गेट किया था और उससे उससे जो ऊपर गेट करना था वो 4 4 2 4 2 6 6 और 10 गेट किया था हमने, 10 गेट किया था, 4 2 8 4 2 6 और 4 10, एंड देन मैंने कितना गेट किया था, ये डी कर रहे हैं ना हम, मैंने बी वाला करा था पहले, ठीक है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो हमारा बी का 4 होएगा और इसका ये होएगा। देखो मैं थोड़े से ना कंफ्यूज हो गई, मैं आपको ना फिर से करवाती हूँ ये वाला क्वेश्चन, कहीं आपको कंफ्यूजन हो गई होगी बी और डी में। देखो ए और सी तो क्लियर हो गए ना, मैं बी और डी आपको दोबारा करवा देती हूँ, है आसान। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ हो गया कि हमारा वो रिज़ल्ट नहीं आया था, है ना, आसान है वैसे, ये शायद हमने चैलेंज किया था, लेकिन ना इसका आंसर यही बनेगा, मेरे को याद नहीं है चैलेंज किया था नहीं किया था, पर इसका आंसर है ना 2 ही आएगा, क्लियर। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका 2 आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ अभी आपको, ठीक है। पहले मैं बी वाला करूँगी और एक तरफ मैं डी वाला करूँगी, मैं यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ, ठीक है। कलर भी मैं चेंज कर लेती हूँ, इसमें ब्लू ले लेती हूँ, उसमें मैं ग्रीन ले लूँगी। तो बी का हमारा क्या था, डबल ए एस डबल ए और, ठीक है, और उसका क्या था हमारा, उसमें हमारा था एस की ग्रामर थी 4 टाइम ए एस और 4 टाइम ए, क्लियर। अब मैं पहले ब्लू वाला करती हूँ आपके आगे, देखिए एस से मैं क्या बना रही हूँ, या तो मैं डबल ए बना सकती हूँ या फिर मैं एस से बना सकती हूँ। इस एस का मतलब है इसकी जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं और ये भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने ये पुट किया। एंड देन आफ्टर मैं एक और ले रही हूँ, मैंने कहा डबल ए एस डबल ए और इसकी जगह मैंने ये वाला पुट कर दिया, ठीक है, डबल ए एस डबल ए और इसकी जगह मैं ये वाला पुट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने मिनिमम से मिनिमम बना रही हूँ अभी। तो हमारा पहला एक बना 2, फिर हमारा बना 2 2 4 और 2 6, फिर हमारा बना 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, क्लियर। अब मैं ग्रीन वाला सॉल्व करती हूँ आपके आगे, यहाँ पे मैंने कहा, जस्ट वेट, डबल ए इसमें भी है, ठीक है, यहाँ पे भी स्लैश लगा के डबल ए है। तो मैंने कहा एस से मैं एक तरफ तो डबल ए बना रही हूँ और एक तरफ मैं बना रही हूँ 4 टाइम ए एस 4 टाइम ए। एस का मतलब है यहाँ पे कि हम यहाँ पे ग्रामर को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डबल ए ले लिया। फिर मैं एक बार और ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम ए एस 4 टाइम ए और यहाँ पे भी मैं ले रही हूँ 4 टाइम ए एस और 4 टाइम ए और यहाँ पे मैं डबल ए ले रही हूँ, क्लियर। तो अब मैंने कहा एक तो मेरा बना 2 और एक मेरा बना 4 4 2 6 और 4 10, एक मेरा बना 4 4 2 सॉरी 4 8 10 10 और 4 14 14 और 4 18, देन आफ्टर डायरेक्ट मेरा 18 बना। तो हमें पहले 2A की ज़रूरत होगी, फिर मैं कह रही हूँ मेरे पास डायरेक्ट 10A आने चाहिए, पहले 2A आने चाहिए, फिर 10A और फिर 18A, राइट। और यहाँ जो सीक्वेंस था वो ये था और यहाँ जो सीक्वेंस है वो ये है। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये है, अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि मेरा फर्स्ट और सेकंड तो फिक्स हो गया था, अब मेरा थर्ड और फोर्थ में मेरे को क्या करना है, थर्ड और फोर्थ में मुझे फाइंड करना है, क्लियर, ये मेरे 2 फिक्स हो गए थे, सॉरी बी में नहीं आएगा ये सी में आएगा, जो मेरा फिक्स हुआ था फर्स्ट वाला वो ए और सी फिक्स हुआ था, अब बी। अब मैं थर्ड का चेक कर रही हूँ, ठीक है, थर्ड का मैं चेक कर रही हूँ। थर्ड में मैं कह रही हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे ले जा रही हूँ, मैं थर्ड में कह रही हूँ कि 4 इंटू 2 एन और पूरे का -6, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है हमारी, एन की वैल्यू हमारी है, एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो मैं पहले 1 की वैल्यू पुट कर लूँ, 4 इंटू 2 की पावर 1 -6, 4 इंटू 2 की पावर 2 -6 कितना हुआ, 8, 1 का 2 की पावर 1 यानी 2 रहेगा, तो 2 इंटू 8 8 -6 2 4 4 4 जा 16 -6 इक्वल टू 10,
जो सीधा पहले मुझे टू चाहिए फिर मुझे टेन चाहिए, हमारे पास सिक्स है तो ये गलत हो जाएगा। तो हम थर्ड नहीं लेंगे, बी का हम फोर ले लेंगे, बी का हम क्या ले लेंगे, फोर ले लेंगे। क्लियर। अब हम कहते हैं कि डी, डी का अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। क्लियर। अब मैं किसको सॉल्व कर रही हूँ, अभी मैंने थर्ड सॉल्व किया था ना, अब मैं फोर्थ वाला सॉल्व कर रही हूँ। फोर्थ वाले में मैं यहाँ कह रही हूँ, फोर्थ वाले में मैं कह रही हूँ कि क्या आना चाहिए, टू की पावर एन माइनस टू। यहाँ पे एन आपका टू या टू होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, यानी टू थ्री फोर कुछ भी हो, ठीक है। तो मैंने कहा टू की पावर टू माइनस टू, कितना टू आ गया, यस टू आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है। टू की पावर थ्री माइनस टू सिक्स आ रहा है, सॉरी एट माइनस टू सिक्स आ रहा है, हाँ सिक्स आ रहा है, ये बी था ना, हाँ तो मैं ही कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, रुक जाओ, सिक्स आ रहा है ना। और फिर मैं कह रही हूँ टू की पावर फोर माइनस टू, तो सिक्स इसमें आ रहा है, तो बी का तो डी होएगा ना, फोर्थ, हाँ ये सही तो है। और फिर मैं कह रही हूँ सिक्सटीन माइनस टू इज़क्ल टू फोर्टीन, तो यहाँ पे तो टेन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे टू से सीधा टेन आ रहा है, तो यहाँ पे टू से सीधा टेन आ रहा है। अब जैसे मैं इसको टू की पावर थ्री करके देखती हूँ, टू इंटू टू की पावर थ्री माइनस सिक्स, तो कितना आ गया, आठ चौक बत्तीस, बत्तीस माइनस टू कितना हो गया, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स हो गया, इतने ए हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इनका जो आंसर आएगा वो इनके अकॉर्डिंग ये ही आएगा जो एन टी ए ने दिया है, ठीक है, ये ही आंसर यहाँ पर आएगा। क्लियर। हमने दो से ही अंदाज़ा लगाना है और बाकी जो हमारा आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पीछे से गड़बड़ थी। क्लियर, समझ में आ गया कि हमने कैसे किया, क्या किया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।